हाय, हैप्पी टीचर्स डे। मसीहा का ये पहला टीचर्स डे है। शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे बेटे, आप सभी को भी। और आज मैंने एक कविता लिखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ मैं। और हाँ, और एक बात बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन प्रेस करना ना भूले, जिससे जितने भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचते रहे। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे अच्छे मुझे कंप्लीमेंट दें, ठीक है। और मैं जो कविता अभी बोलूँगी आप लोग के सामने में, तो वो कैसा लगा वो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएं, ठीक है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ओके। कितनी रातों तक सोई नहीं होती है, हर सुबह जिम्मेवारियां संभालती और खिलखिलाती होती है। तू त्याग की मूर्ति भगवान की सूरत होती है। माँ अच्छी और बुरी नहीं होती, माँ तो माँ होती है। जब चोट थोड़ी सी भी मुझे लगती, मेरे से पहले आह की आवाज माँ की होती है। अपने आंचल और गर्म फूंकों से सेंक देना, जैसे कि फर्स्ट एड बॉक्स ही उनके साथ होती है। माँ अच्छी और बुरी नहीं होती, माँ तो माँ होती है। हमारे पापा भी हमारे लिए खास होते हैं। हमें खुश रखने की हर चाबी उनके पास होते हैं। अपने हर जिम्मेवारियों को दिल और दिमाग में ढोते हैं। हर रोज बॉस की किचकिच सुनते हैं। गर्मी, वर्षा, शीत, ये सभी जैसे कुछ भी नहीं होते। हर दिन वो सब कुछ सहते और बाहर जाते हैं। हमारे लिए वो कोई जादूगर से कम नहीं होते। इतना सब के बाद भी दिन के अंत में खिलखिलाते होते हैं। हमारे पापा भी हमारे लिए खास होते हैं। कहा जाता है कि गुरु की शिक्षा बिन गुरु दक्षिणा की पूरी नहीं होती, लेकिन माँ बाप की शिक्षा की कोई दक्षिणा नहीं होती। इसीलिए माँ बाप को कभी सामान ना बनाना, ना किसी आश्रम में रख देना, क्योंकि बुढ़ापा ही असली दक्षिणा की समय होती है। माँ बाप तो माँ बाप होती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। और प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को कैसे